गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। और 27 मई की करंट अफेयर हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और यहाँ पर आप लोगों को शानदार करंट अफेयर करवाया जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप लोगों को करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। और हाँ, साथ में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आप लोगों को दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और बहुत शानदार रहने वाला है। डेली करंट अफेयर का सेशन है और आप लोगों को डेली यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए गाइस, ये जो करंट अफेयर के सेशन है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल, डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी 2, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लेकर आता जाएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हाल ही में सीबीआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। अगर आप लोगों को मालूम हो कि सीबीआई हमारे देश की जो है प्रमुख जांच एजेंसी है, ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रमुख जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है हाल ही में सीबीआई प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है के आर चंद्रा, बी एस कौमुदी, सुबोध कुमार, एन वी रमन्ना। ओके, क्या है, एन वी रमन्ना। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर बता दूं आप लोगों को कि हाल ही में जो सीबीआई प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके सुबोध कुमार को। ओके, किसे नियुक्त किया गया है, सुबोध कुमार को नियुक्त किया है। चलिए गाइस, इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे, सुबोध कुमार के बारे में जानेंगे, कौन है सुबोध कुमार। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है सुबोध कुमार और इन्हें ही हाल ही में सीबीआई के निदेशक के रूप में चुना गया है, डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। जी हाँ, आईपीएस सुबोध कुमार को जायसवाल बने, सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए निदेशक। ओके, देखिए तो ये एक आईपीएस अधिकारी है, सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है, सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का। ओके, ये अब इन्होंने जो है सीबीआई के जो निदेशक के पद के लिए चुने गए तीन लोगों में से वह सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। तीन लोग कौन कौन थे, के आर चंद्रा थे, एक वी एस कौमुदी थे। ओके, इनके साथ में जो है उनका कॉम्पिटिशन था, और एक आपके सुबोध जायसवाल, तीन लोग। ओके, सुबोध जायसवाल को मिला के तीन लोग थे। और ये जो इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे अन्य जो सदस्य इस दौड़ में शामिल थे, यानी 109 कैंडिडेट थे जिनमें से चुना गया है इन्हें, जिनमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना भी थे और लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ पे थे। ओके, तो इन सब में से टोटल 109 लोगों में से सुबोध जायसवाल को यहाँ पे सीबीआई का निदेशक चुन लिया गया है। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सुबोध जायसवाल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए सुबोध जायसवाल कौन है, सुबोध जायसवाल 1985 यानी 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी है। ओके, जो सीआईएसएफ के प्रमुख है, इससे पहले वह मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर रह चुके हैं। ओके, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ और बातें, उन्हें 2018 में मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्होंने अतीत में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस के साथ भी काम किया है। बहुत सारे हैं, जैसे आईबी, एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के साथ भी इन्होंने काम किया है। 58 वर्षीय अधिकारी 20,000 करोड़ रुपए की फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के प्रमुख थे, जिसे अब्दुल करीम तेलगी घोटाला कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है अब्दुल करीम तेलगी घोटाला। ओके, इनकी जांच भी इन्होंने की थी।
जैसे 2006 में इम्पोर्टेंट है, 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले की जांच करने वाली टीम का भी हिस्सा थे। ओके देन, और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आप लोगों को पूछा जा सकता है एग्जाम के तौर में, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में कहाँ है, नई दिल्ली में है। देन केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये सन आप लोगों को याद रख लेना है, 1 अप्रैल 1963 को, 1963 को यहाँ पे हुई थी 1 अप्रैल को स्थापना आपकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे हाल ही में विश्व स्तर पर बैसाख दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व स्तर पर बैसाख दिवस मनाया गया है, 26 मई, 24 मई, 25 मई, 23 मई। तो आपको ध्यान रखना है जो बैसाख दिवस मनाया गया है वो 26 मई को मनाया गया है। ओके, अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे क्यों मनाया जाता है ये तो स्पष्ट आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, जैसे कि गौतम बुद्ध जी की यहाँ पे आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं हम लोग, 26 मई को विश्व स्तर पर बैसाख दिवस 2021 मनाया गया है। बैसाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर 26 मई को मनाया गया। बैसाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है। इस दिन गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो डियर स्टूडेंट क्यों मनाया जाता है आपका बैसाख दिवस, ओके 26 मई को विश्व भर में बैसाख दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध जी को, कि नहीं, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यहाँ पे 26 मई को हर साल प्रत्येक साल बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है किस। ओके, अब यहाँ पे बैसाख दिवस का कुछ इतिहास जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 से यह दिवस मनाया जा रहा है, कब से, 2000 से मनाया जा रहा है, 2000 से शुरू किया गया इस दिवस को मनाने का संकल्प 1999 में पारित किया गया था। 2004 से अंतर्राष्ट्रीय बैसाख शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2019 में यह वियतनाम में आयोजित किया गया था, ध्यान रखें। ओके, अब तक यह शिखर सम्मेलन थाईलैंड में 11 बार, वियतनाम में 3 बार और श्रीलंका में 1 बार हो चुका है। बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहली बार 1950 में श्रीलंका में आयोजित बौद्धों के विश्व फेलोशिप सम्मेलन में औपचारिक रूप से दिया गया था। सम्मेलन में कई देशों के नेताओं ने भाग लिया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 26 मई को मनाया जाता है आपका बैसाख दिवस। और क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। देन कब से स्टार्ट किया गया, तो 2000 से। ओके, 2000 से स्टार्ट किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, वर्तमान में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। वर्तमान में कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, तो ये आप लोगों के कौन से कौन है आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए, इनका नाम है आपका अनातोले कोलिनेट माकोसो। कौन है, अनातोले कोलिनेट माकोसो। चलिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये है आप लोगों के इमेज में दिखाई दे रहे। ओके गाइस, इमेज में दिखाई दे रहे यही है आपके अनातोले, ओके कोलिनेट माकोसो। तो कोलिनेट माकोसो बने हैं कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो न्यूयसो, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो न्यू नुगुयसो नुगुयसो ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने 2016 से कार्यकाल में क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली, किसकी जगह ली है, क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली है। चलो, माकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे, वह 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके,
कांगो की राजधानी क्या है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कांगो गणराज्य की जो राजधानी है वो ब्रेजाविल है। क्या है? ब्रेजाविल, ब्रेजाविल, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देन यहाँ पे कांगो की मुद्रा, कांगोली फ्रेंक, ये मुद्रा भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, कांगोली फ्रेंक। ओके, कांगोली फ्रेंक, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, आप लोगों को पता है मोसाद, मोसाद एक गुप्तचर एजेंसी है, एक जासूस एजेंसी है। और ये कहाँ की जासूस एजेंसी है? दुनिया की सबसे खतरनाक जासूस एजेंसी है, इजराइल की जासूस एजेंसी मोसाद। ओके, अपने दुश्मनों को पल भर में ढूंढ लेती है और बिल्कुल उसे मौत के घाट उतार देती है, ऐसी जासूस एजेंसी है। तो इसका जो प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे पूछा है आप लोगों। तो ध्यान रहे, अभी हाल ही में इसराइल की जासूस एजेंसी मोसाद का जो प्रमुख है वो किसे चुना गया है? तो डेविड बार्निया को चुना गया है। ओके, चलिए इससे कुछ मोसाद से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोग देख लेंगे गाइस यहाँ पे। चलिए, तो ये आप लोगों के इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है आप लोगों के डेविड बार्निया, जिन्हें हाल ही में मोसाद के प्रमुख चुना गया है, इसराइल के प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री का भी नाम पूछेगा आप लोगों को इसराइल का, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, और इन्होंने ही डेविड बार्निया को देश की जासूस एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। लंबे समय से मोसाद के एक पूर्व सदस्य बार्निया, यानी सदस्य के तौर पे काम कर रहे थे, अब इन्हें बना दिया गया है प्रमुख। ओके, 1 जून को इसराइल की खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में योसी कोहेन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? योसी कोहेन का स्थान लेंगे। कोहेन ने 2016 में पदभार ग्रहण करने के बाद इसराइल के जासूस के रूप में कार्य किया। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप लोगों को याद रखना है, इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हुए, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। इसराइल की राजधानी आप लोगों को याद रखना है, जेरूसलम है। इसराइल की मुद्रा क्या है? तो इसराइली सेकेल है। मुद्रा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सेकेल। ओके, क्या है? इसराइली सेकेल यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन, भारत, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत, तिब्बत और चीन, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, अवतार सिंह भाषिन, रवि वर्मा या शशि थरूर? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों का उत्तर हो जाएगा अवतार सिंह भाषिन। ओके, अवतार सिंह भाषिन ने लिखा है भारत, तिब्बत और चीन नामक पुस्तक। ओके, तो इसके लेखक कौन है? अवतार सिंह भाषिन है। ओके, अब बढ़ते यहाँ पे, देखिए इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते। ये जो आप लोगों के चाइनीज के जैसे दिख रहे हैं, ओके, यही है आप लोगों के अवतार सिंह भसीन। अब यहाँ पे नेहरू जी के पीछे इमेज दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की बुक लिखी गई है वो नेहरू जी के रिलेटेड, उनसे संबंधित लिखी गई है। अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक है नेहरू, तिब्बत और चीन। ओके, और इनके जो नाम में ही छुपा है नेहरू, तिब्बत और चीन, तो पूरी पूरी यहाँ पे नेहरू जी के आसपास इस बुक को लिखा गया है। तो देखिए, इस बुक को लिखा गया है यहाँ पे, वर्षों के गहन अभिलेखीय शोध पर आधारित पुस्तक, आकर्षक विस्तार से यह पुस्तक 1949 से लेकर 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है, ताकि इन ज्वलंत सवालों के जवाब तलाशे जा सके। तो जो आज़ादी के बाद, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद 1949 से लेके 1962 तक, ओके, यानी भारत चीन युद्ध से लेकर यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ पे आप इस बुक में देखने को मिलेगी। बात करते भारत, तिब्बत और चीन का इतिहास की, तो 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया। कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया और एशियाई इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्ता राष्ट्रवादी कुओमिंतांग सरकार के हाथों में माओ से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में चली गई। अचानक यह केवल एक मुखर चिन्ह था जिससे भारत को निपटना था, बल्कि तिब्बत में एक जटिल स्थिति भी थी जो चीन के दबाव में थी। बात करेंगे, जाहिर है नव स्वतंत्र भारत
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। चीन के साथ इसके संबंध उत्तरोत्तर बिगड़ते गए। अंततः 1962 में भारत चीन युद्ध की ओर अग्रसर हुआ। आप लोगों को ध्यान होगा 1962 का भारत चीन युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो ये जितना भी आसपास बुक लिखी गई है 1962 के चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध के आसपास लिखी गई, आप लोगों को इसके लेखक का नाम याद रख लेना है। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शोधित जल के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे दो शब्द आपको ध्यान देना है। क्या है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके, ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शोधित जल के इस्तेमाल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो गाइस यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन अलग अलग है, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए NGT का आप लोगों को अध्यक्ष पूछा है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, हर एग्जाम में पूछने आप लोगों को पूछा जा सकता है कि NGT का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष आपके कौन है? तो AK गोयल, नाम आप लोगों को याद रख लेना है, AK गोयल इनके अध्यक्ष है। ओके चलिए, देखिए यही आप लोगों का लोगो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का, और ये एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है। पर्यावरण से संबंधित जितने भी नियम है यही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा ही लिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो पर्यावरण को। ओके, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके चलिए, NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष प्रदूषण निगरानी संस्था से कहा है कि 2019 के दिशा निर्देशों का पालन किया कराया जाए। पीठ ने गौर किया है कि CPCB, एक शब्द आया है यहाँ पे CPCB, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके गाइस, चलिए, तो CPCB को दिए गए पहले के निर्देश सितंबर 2019 में जारी किए गए थे और वे सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इसमें शोधित जल का इस्तेमाल सिंचाई में करने और इस तरह के शोधित जल को तय मानकों के अनुरूप होने के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी हाल ही में NGT का आदेश आया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, कि सिंचाई में शोधित जल के इस्तेमाल के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे कहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी इसका फुल फॉर्म है, ओके, वो निर्देश दिया है कि उद्योगों से निकलने वाले शोधित जल का इस्तेमाल सिंचाई एवं बागवानी में करने के इसके दिशा निर्देश लागू किए जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों का जो मोहाली है, मोहाली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। ओके, इमेज में दिखाई दे रहे यही आप लोगों के बलबीर सिंह हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब बलबीर सिंह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, आप लोगों का जो है मोहाली वो पंजाब में आता है सबसे पहले। ओके, नोट डाउन कर ले, पंजाब में आता है मोहाली। ओके, अब पंजाब सरकार ने आखिरकार ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने राज्य के मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम को 3 बार का ओलंपियन चैंपियन बनाने वाले बलबीर सिंह सीनियर ने अहम भूमिका निभाई है। ओके, यानी 3 बार इन्होंने यहाँ पे आप लोगों को दिला चुका है, ओलंपिक चैंपियन बना चुका है भारत को। ओके, उनका ओलंपियन फाइनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्होंने 1952 के ओलंपिक खेलों के फाइनल में नीदरलैंड पर भारत की 6-1 से जीत में 5 गोल किए थे। कितने? 5 गोल किए थे।
जो कि आज तक इनका रिकॉर्ड अभी तोड़ा नहीं जा चुका। 1975 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के मैनेजर भी थे ये। ओके, पंजाब सरकार ने इस दिग्गज खिलाड़ी को 2019 में महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो वीपी बदनौर सिंह। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है, इजराइल और भारत के बीच में अभी जो है एक हस्ताक्षर किया गया है एक कार्यक्रम पर। ओके, यानी हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके गाइस, चलिए बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के द्वारा लद्दाख LAC क्षेत्र में सीमा की मजबूत निगरानी के लिए किस देश ने हिरान ड्रोन मंगाया जा रहा है। हाल ही में भारत के द्वारा लद्दाख LAC क्षेत्र में सीमा की मजबूत निगरानी के लिए किस देश से हिरान ड्रोन मंगाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार यहाँ पे करंट अफेयर। ओके, ऑप्शन आपके सामने है अलग अलग, यहाँ पे बता दूँ इसराइल के द्वारा यहाँ पे मंगाया जा रहा है हिरान ड्रोन। ओके, आप लोगों को ध्यान रखना है, और क्यों मंगाया जा रहा है, तो LAC और लद्दाख की जो सीमा है उस वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से मजबूती आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये आप लोगों का इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है आप लोगों का हेरान ड्रोन जो कि इजराइल से मंगाया जा रहा है, अत्याधुनिक ड्रोन। केंद्र सरकार की ओर से चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा बलों को दी गई आपात शक्तियों के तहत दी जा रही है। ओके, तो चलिए कभी ना कभी देखिए लगातार यहाँ पे आपका जो है चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चलता रहता है, तो इसलिए इसकी सुरक्षा की दृष्टि से ओके मजबूती देने के लिए हेरान ड्रोन को इसराइल से मंगाया जा रहा है। जैसे कि इसराइल की राजधानी आप लोगों को बताया था मैंने जेरूसलम है, और वहां की मुद्रा भी आप लोगों को बता दिया था सेकेल। ओके, इसराइली सेकेल है। तो गाइस यह थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी साथियों को पसंद आएंगे। और हाँ, इसी प्रकार डेली करंट अफेयर का सेशन हम लेकर आते रहेंगे। डियर स्टूडेंट जैसे कि न्यू क्लासेस भी आप लोगों के लिए यहाँ पे चालू कर दी गई है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी सभी एग्ज़ाम की आप लोगों को करवाई जा रही है। थैंक यू गाइस।